नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं अमिताभ बच्चन के मामा के चाचा के फूफा के जीजा के भाई के दोस्त का जो गांव है उसके पड़ोसी वाले गांव का एक निवासी हूं। स्वागत करता हूं आपका इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है कौन बनेगा कोरोनापति। तो आइए इस खेल को शुरू करते हैं। तो हमारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं उन्हें सबसे पहले एक राउंड से गुजरना होगा जिसका नाम है क्लीनेस्ट हैंड्स फर्स्ट। तो इसमें जो व्यक्ति अपना हाथ सबसे पहले साफ कर लेगा वो इस गेम में हिस्सा ले पाएगा। इसके लिए आपको सैनिटाइजर नहीं दिया जाएगा, आपको अपनी थूक से अपना हाथ साफ करना होगा। आपका समय शुरू होता है अब। और हमारे पास रिजल्ट आ गए हैं। सबसे पहले अपना हाथ साफ किया है राहुल कुमार गांधी जी ने, तालियां। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो फटाफट मैं आपको इस खेल के कुछ नियम बता देता हूँ। इस खेल में हम आपसे 5 सवाल पूछेंगे, अगर आपने उस 5 सवाल के सही जवाब दे दिए तो आप यहाँ से जीत सकते हैं बहुत सारे कोरोना वायरस और बन सकते हैं कोरोनापति। इसके लिए आपको कुछ लाइफ लाइन्स भी दिए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। खेल शुरू करने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर आप यहाँ से आज कोरोना वायरस जीत कर जाते हैं तो क्या कीजिएगा उनका? जी, मेरे गली मोहल्ले, यहाँ तक कि मेरे गांव और यहाँ तक कि मेरे ज़िले में भी किसी को कोरोना वायरस नहीं है, तो मैं यहाँ से कोरोना वायरस जीत के वहाँ जाके सबको फैलाना चाहता हूँ। बहुत ही नेक विचार हैं आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, अभी अभी किस सेलिब्रिटी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है? आपके ऑप्शंस हैं ए कनिका कपूर, बी नेहा चूतिया, सी ढिंचक पूजा या डी कटवालिया भट्ट। वैसे तो नेहा चूतिया को कोरोना वायरस होना चाहिए था, लेकिन कनिका कपूर को हो गया, और लेकिन उन्होंने शानदार तरीके से उसके बाद पार्टी भी दी थी लोगों को और कोरोना वायरस फैलाया था। मैं भी उसी तरह से यहाँ से कोरोना वायरस जीत के लोगों को फैलाना चाहता हूँ, तो मैं ए कनिका कपूर के साथ जाऊँगा। कंप्यूटर जी, ए को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये रहा, इस लॉकडाउन में कुछ पुराने सीरियल शुरू किए गए हैं, लेकिन इनमें से कौन सा एक सीरियल शुरू नहीं किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ए रामायण, बी महाभारत, सी शक्तिमान, डी सविता भाभी के कारनामे। ये तो काफ़ी मुश्किल सवाल है। मैं अपनी लाइफलाइन ऑडियंस पोल इस्तेमाल करना चाहूँगा। कंप्यूटर जी, इनकी लाइफलाइन को ऐड किया जाए। ऑडियंस, आपका समय शुरू होता है अब। तो सारे की सारी ऑडियंस ने एक ही जवाब दिया है, डी सविता भाभी के कारनामे। आप बताइए। मैं भी ऑडियंस के साथ जाऊंगा, डी। कंप्यूटर जी, डी पर ताला लगाइए। और बिल्कुल सही जवाब। आपको इस प्रश्न पर लाइफलाइन लेना पड़ गया, लगता है आप सविता भाभी के कारनामों से परिचित नहीं हैं। जी, मुझे सविता भाभी के बारे में कुछ नहीं पता, जब मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ तो वो मुझे कह देते हैं पोगो देख, और मैं वैसे पोगो पे छोटा भीम ही देखता हूँ, तो मुझे इसका आंसर नहीं पता था। अच्छा, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो आपका अगला सवाल आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये रहा, कोरोना बीमारी सबसे पहले किस शहर में पाई गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए बिलासपुर, बी वुहान, सी भाटापारा या डी आपके शहर में। मेरे शहर में तो नहीं आया है, इसका मुझे ए लग रहा है बिलासपुर। मैं अपनी लाइफलाइन लेना चाहूँगा, एक्सपर्ट एडवाइस। कंप्यूटर जी, इनकी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस को अंकित किया जाए। तो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं जॉनी सिंह जी, तो हम आपको उनसे बात कराते हैं। नमस्कार जॉनी सिंह जी। नमस्कार। नमस्कार। आपको प्रश्न तो पता ही है, साथ ही साथ उनके ऑप्शंस भी आपको पता है, तो आप इनकी मदद कीजिए। नमस्कार सर, उत्तर बताइए।
कोरोना बीमार सबसे पहले वुहान में फैला था। कहाँ? अरे वहाँ। अरे कहाँ? अरे वहाँ। अरे वहाँ कहाँ? अरे वुहान वुहान बोल रहे हैं कब से। अरे मुंह में भरे थे तो कैसे समझ में आएगा हमको। वैसे आप खा क्या रहे थे? हम तो विमल पान मसाला खा रहे थे। तो राहुल जी अपना उत्तर बताइए। जी ऑप्शन बी पर ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी बी वुहान पर ताला लगाइए। और बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू जॉनी सिंह जी। ठीक है तो राहुल जी आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आपको सावधानी से खेलना होगा क्योंकि अब सिर्फ दो प्रश्न बाकी है। अगर आपने इन दो प्रश्नों के उत्तर सही सही दे दिए तो आप यहां से ले जाएंगे बहुत सारे कोरोना वायरस। तो अगला सवाल आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये रहा। कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए निम्नलिखित कदमों में से कौन सा कदम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा कारगर है? आपके ऑप्शंस हैं ए ताली थाली और घंटी बजाना, बी रात को एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर से दवाई का छिड़काव करवाना, ऑप्शन सी पूरे शहर को लॉकडाउन कर देना, या ऑप्शन डी रात को 9 बजे दिया और मोमबत्ती जलाना। इसमें ए और बी में कंफ्यूज हो रहा हूँ तो मैं अपनी लाइफ लाइन 50-50 इस्तेमाल करना चाहूँगा। जी कंप्यूटर जी इनकी लाइफ लाइन 50-50 को अंकित किया जाए। किन्हीं भी दो ऑप्शंस को हटा दीजिए। अरे ये क्या हमको जो लग रहा था उसी को हटा दिया आप? अरे भाई हम नहीं हटा रहे हैं, कंप्यूटर जी हटा रहे हैं। अब इन दोनों में से हमको सी लग रहा है क्योंकि यहाँ आने से एक दिन पहले हम जब अपने गांव में घूम रहे थे तो वहाँ पे पुलिस आई थी और उसने हमको बाहर घूमते हुए देख के कहा था कि हमको बाहर नहीं घूमना है नहीं तो वो अपना डंडा हमारे पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे। तो मेरे ख्याल से ये सी होगा। कंप्यूटर जी सी शहरों को लॉकडाउन कर दिया गया है, इस पर ताला लगाइए। और बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। और आखिरी प्रश्न बहुत सारे कोरोना वायरस के लिए आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये रहा। कोरोना बीमारी इनमें से किस वायरस के कारण होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कोरोना वायरस, बी सर्दी जुकाम वायरस, सी पतली टट्टी वायरस, या डी पोलियो वायरस। अरे सर ये सवाल तो बहुत ज़्यादा कठिन है। आखिरी सवाल है तो कठिन तो होगा ही। मैं अपनी लाइफलाइन फ़ोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करना चाहूँगा। कंप्यूटर जी इनकी लाइफलाइन फ़ोन अ फ्रेंड को अंकित किया जाए। तो आप किसको फ़ोन करना चाहेंगे? मैं अपनी दोस्त एंजल प्रिया को कॉल करना चाहूँगा। कंप्यूटर जी एंजल प्रिया को फ़ोन किया जाए। हेलो जी मैं कौन मानेगा कोरोना पति से आशीष साहू बोल रहा हूँ। बट आई हैव बॉयफ्रेंड सो मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। अरे अरे रुक जाइए मेरे साथ बैठे हुए हैं आपके दोस्त राहुल कुमार गांधी जी जो इस वक्त आपकी मदद चाहते हैं। कौन राहुल गांधी? अरे हम राहुल द हार्ट स्टीलर द लिपस्टिक इरेजर। ओ बेबी तुम। हाँ बोलो ना क्या हेल्प चाहिए तुमको? मदद बाद में करना, पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया कल रात को। अरे वो मैं मम्मी के साथ थी ना। हाँ ठीक है फिर। अरे भाई सवाल भी पूछ लीजिए। अरे आप चुप रहिए डिस्टर्ब मत कीजिए अभी। अरे अरे माफ़ कीजिए आप बात कीजिए। अब बताओ तुमने खाना खाया कि नहीं? तुमने नहीं खिलाया तो मैं नहीं खाया। देखा कल रात तो मैंने इसीलिए कॉल किया था, तुम बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखती। चलो जाओ अभी खाना खाओ। हाँ ठीक है आप मेरे लिए कोरोना जीत के लाना। अरे हाँ बिल्कुल जीत के आऊँगा, तुमको भी दूंगा। ठीक है चलो जाओ। ओके बाय। माफ़ कीजिएगा आपका समय समाप्त हो गया है। वैसे क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। ये आपकी मित्र एंजल प्रिया की आवाज़ लड़कों जैसी क्यों थी? खबरदार मेरी एंजल प्रिया के बारे में कुछ भी बोला तो। अरे अरे माफ़ कीजिए हम तो बस इसलिए पूछ रहे थे कि क्या हमारी भी कोई सेटिंग हो सकती है, मतलब इसके लिए कुछ कोर्स वोर्स करना पड़ता है क्या? हाँ ये काफ़ी मुश्किल कोर्स है, बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। अच्छा ठीक है अब आप उत्तर बताइए। काफ़ी मुश्किल सवाल है।
आइडिया, आधा पादा किसने पादा। मैं ए कोरोना वायरस के साथ जाना चाहूँगा। कंप्यूटर जी, ऑप्शन ए कोरोना वायरस पर ताला लगाइए। और बिल्कुल सही जवाब, यस। लगता है हमें अगली बार से ये नियम बनाना होगा कि आप इस केबीसी में आधा पादा का उपयोग नहीं कर सकते, नहीं तो कोई भी जीत जाएगा यहाँ पे। अच्छी, थैंक यू सर। अब मैं ऐसे ही सबके ऊपर छींक के कोरोना वायरस फैलाऊंगा। तो देवे उस सज्जनों, जैसा कि आपने देखा, थोड़े से ज्ञान, थोड़े से बाबू की मदद और थोड़े से आधा पादा की मदद से आप यहाँ से बहुत सारे कोरोना वायरस जीत सकते हैं। अब एक सवाल आपके लिए, आप इस वीडियो को क्या करेंगे? ऑप्शन ए लाइक करेंगे, ऑप्शन बी शेयर करेंगे, ऑप्शन सी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, या ऑप्शन डी इनमें से चारों करेंगे। ऑडियंस पोल का कहना है कि वो चारों करेंगे, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि आपको भी वही करना है। थैंक यू, हैव फन।